रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह इज़्ज़त की रहमतों का खजीना हज़रत अली रजी अल्लाह तरशाद फरमाया करते थे कि अगर अल्लाह इज़्ज़त ने इस उम्मत को आज़ाब देना होता तो इसको रमज़ान का महीना और सूर अखलासताना फरमाते गोया अल्लाह रबुलज़त का इरादा तो खैर का है बस हम ये सोच लें कि हमने अल्लाह इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी है और रमज़ान को गुनाहों से पाक गुजारना है हज़रत इमामबानी रहमतुल्लाह रहमत फरमाते थे कि मैंने कश की नज़र से देखा कि सारा साल जो अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नीचे नाजिल होती हैं उनकी मिसाल एक कतरे की मानिंद और एक रमज़ान के महीने में जो अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होता है उसकी मिसाल एक दरिया या समंदर की मानंद है इतना अजीम और रहमतों वाला महीना है हमें चाहिए कि हम इस महीने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाएँ ये महीना अल्लाह ताली ने ममिन की फ़ेवर के लिए दिया है समझ लीजिए अल्लाह त्या किया आम हालात में शैतान गुनाहों से रोकता है और नफ्स ये गुनाहों पे उभारता है शैतान को तो पकड़ के कैद करवा दिया एक दुश्मन से तो निजात मिल गई इंसान को भूखा रखा नफ्स कंट्रोल हो गया दूसरा दुश्मन भी कमज़ोर हो गया अब इसको कहा कि देखो अब तुम्हारे लिए मेरे रास्ते में रुकावट कोई ना रही अब तुम आगे बढ़कर मेरी इबादत कर लो मुझे मना लो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा नफिल को फ़र्ज़ के बराबर कर दिया फ़र्जों को सत्तर गुना कर दिया एक इतनी बड़ी मजीद मोटिवेशन पैदा कर दी कि मेरे बंदो आओ और मुझे मना लो तुम मुझे पालो मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़ेदार के लिए सारी मखलूक को दुआओं पर लगा दिया रोज़ेदार के लिए समंदर की मछलियाँ दरिया की मछलियाँ हवाओं के परिंदे दुआएँ करते हैं यह अल्लाह रबुज़त ने रहमत फ़रमा दी अल्लाह रबुजत ने तो इरादा कर लिया है हमारी मगफ़ीत का हम भी सोच लें कि वाकई हो जाए इस महीने में अल्लाह रबुलज़त ने एक रात आता फ़रमाई लई लतलकद्र की वो रात है उसमें अल्लाह बेहिसाब लोगों की मगफरत फरमाते हैं लेकिन चंद लोग ऐसे हैं कि उनकी मगफ़रत इस रात में भी नहीं होती शराब पीने वाला नशे की कितनी सूरतें आ चुकी वालदे का नाफरमान रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाला क़ा त्लुकी कर देने वाला जिना करने वाला ये लोग ऐसे हैं कि जिनकी इस मुबारक रात में भी मफ़िरत नहीं होती याद रखिए रहमत तो लालमिन ने जब ये बताया कि ये रहमत का महीना है उन्होंने ही बताया कि इन में इस महीने में भी रहमत के नवी चंद महरूम रह जाते हैं हमें ये चाहिए कि हम आज इस बात का इरादा करें कि इन महरूम की फहरिस्त से अपने आप को हमने निकालना है आज कितने मामला ऐसे हैं मियाँ बीवी आपस में नाराज़ आपस में एक दूसरे को राज़ी कर लीजिए कितनी औरतें अपने घरों में हैं खाविंद नाराज़ होकर छोड़कर छोड़ कर आए हुए ससुराल वाले छोड़ कर आए हुए अरे रमज़ान में अपनी मगफरत करवाना चाहते हैं ये खानदानी झगड़ों को ख़त्म कर लीजिए अल्लाह किसी मगफिरत के फैसले करवा लीजिए अगर हमने इस कीने को और इन नफ़रतों को ख़त्म न किया तो गोया हम ही नहीं चाहते कि हमारी मगफरत हो तो ज़बरदस्ती तो नहीं मगफिरत की जाएगी हम अगर ये चाहते हैं कि हमारी मगफरत हो जाए तो मोहब्बतों को बढ़ाइए ये तंगियों को तलखियों को दूर कर दीजिए एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और कुछ लोग कहते हैं कि जी फ़ला ने हमारे ऊपर जुल्म किया हम माफ़ नहीं करेंगे अरे खुदा के बंदो क्या अल्लाह ताला मुले के यहाँ ये मूल है कि हम जाना चाहते हैं हम अल्लाह ताला के यहाँ जालिम क्यों जाना चाहते हैं हम मज़लूम क्यों नहीं जाना चाहते अगर किसी ने जुल्म किया हम उसको माफ़ करें कि उसके बदले अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा याद रखिए जो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है शब ए कदर में उसकी भी मग़फ़िरत नहीं होनी तो अगर हम चाहते हैं हमारी मगफिरत हो जाए तो हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करें ताकि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे। इसके लिए कदम बढ़ाइए और अपने घरों को आबाद कीजिए